हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो पर्सन हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, करेंट पार्टनर हो, सिचुएशनशिप में कोई हो, अनकन्फेस्ड लव हो, एक्स हो या हस्बैंड या वाइफ हो, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है, उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए, और साथ में इमीडिएट चेंज या शिफ्ट आपके कनेक्शन में क्या आने वाला है बहुत जल्द, ये भी हम देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। रिलेटेड टू एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स के बारे में मैं अपने सेकेंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा उसमें वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप लोग सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप समझ पाओ कि आपको जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की ज़रूरत है या नहीं, या फिर कब पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, या फिर क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं वगैरह वगैरह। सब कुछ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी मेरे सेकेंड चैनल पर, बिकॉज आप लोगों में से बहुत लोग जानना चाहते हो। सो यह मैं उसी वजह से नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ मेरे सेकेंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा में, और मेरे थर्ड चैनल जिसका नेम है पूर्वा घोष जो कि न्यू चैनल है, मेरे पर्सनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे मैं अपने लाइफ से रिलेटेड, मेरे कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस शेयर किया करती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड भी वीडियोस हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो मुझे और भी अच्छे तरीके से तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, हाँ ज़रूर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए न्यू चैनल को भी। ओके सो या स्टार्ट कर लेते हैं किसी देरी के बगैर। पेड रीडिंग्स अभी बंद है, जैसे ही रीओपन मैं करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है, थ्रू कम्युनिटी टैब, थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू माय वीडियोस, तब आप लोग फिर से अपने बुकिंग्स करवा कर रीडिंग ले सकते हो। ओके तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। We have seven of swords. We have ace of wands. We have eight of pentacles. We have three of cups. Bottom of the deck, we have knight of swords. और भी कार्ड्स देखेंगे, ओके? We have seven of hearts. Seven के नीचे seven आए। We have six of clubs. We have King of Spade. We
we are queen of clubs. Okay. And what on the deck we have? The fool card. So, देख लेते हैं. देखिए सबसे पहली चीज आपके जो पर्सन की फीलिंग्स हैं वो इस तरीके से है कि आपके जो पर्सन है वो ना अभी आपके कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं. उनका ऐसा मन हो रहा है कि उन्हें आपके रिश्ते में सीरियस लेवल पर सोचना है, सीरियस लेवल पर उन्हें चीज़ों को इस तरीके से कंटिन्यू करना है ताकि आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए, जितना भी है उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए. तो ये सोच रहे हैं कि इन्हें मेहनत करनी है इस कनेक्शन में, या फिर जितना इनकी तरफ से एफर्ट्स हो सकता है उतना इनको देना है. लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंसान सोच रहे हैं कि कैसे करूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंसान का भी ध्यान बहुत सारी चीज़ों में है. हो सकता है अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, अपने फैमिली को भी यू नो इम्पोर्टेंस दे रहे हों, अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हों. ओके, और भी तमाम की चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इनका जो एनर्जी है वो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड हो चुका है अभी. तो एक साथ हो सकता है मल्टीपल चीज़ों में वर्क कर रहे हों, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में इनका फोकस है. तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास इनफ टाइम नहीं है, या फिर इनके पास इनफ एनर्जी नहीं बच रही है कि ये सारे कामों को करके या फिर सारी जगहों में फोकस करने के बाद ही आपके कनेक्शन में फोकस करें. तो ये थोड़े से मुझे लग रहा है कि रेस्टलेस फील करें. इनको ऐसा लग रहा है कि मन है इस कनेक्शन में मुझे बहुत कुछ करना है, इस कनेक्शन को मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है, लेकिन कैसे करें, क्योंकि अभी हमारे पास वो फ्री टाइम या फिर वो एनर्जी जो ज़रूरत है वो इन्वेस्ट करने के लिए बच ही नहीं रही है, वो बाकी जगहों में ख़त्म हो जा रही है. ठीक है, तो इस पर्सन का फोकस, इस पर्सन की मेहनत बहुत सारी जगहों में है. ठीक है, किसी न किसी चीज़ पे डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों में, यू नो, एक से ज़्यादा लोगों के इमोशंस पे ध्यान देना, कंसिडर करना, ठीक है, बाकी अपने लाइफ को लाइफ में ध्यान देना, सब कुछ चल रहा है. सो ये बहुत ज़्यादा ना ऐसा फील कर रहे हैं कि कैसे करूं, या हमारे पास तो वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, जो हम करना चाह रहे हैं, यानी कि आपके कनेक्शन में वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत कुछ करना है. ठीक है, और फिर आपके कनेक्शन में भी ध्यान देने लगेंगे तो वो कुछ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उनके उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा हर एक चीज़ को संभालना, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. ऐसे इस पर्सन की करंट एनर्जी चल रही है. लेकिन करंट फीलिंग इस पर्सन की ये है कि अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, अगर इस पर्सन की खुद के पर्सनल लाइफ में किसी के साथ सेपरेशन हुआ है, लाइक कि आपके क्रश हैं या फिर अनकन्फेस लव है, तो ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ खराब रहे हैं, चाहे वो आपके साथ हो किसी और के साथ हो, तो वो चाह रहे हैं कि जैसा पास्ट में हुआ है वैसा अब फ्यूचर में ना हो, बल्कि फ्यूचर को हम खुद से क्रिएट करते हैं ताकि कुछ अच्छा बन पाए और पास्ट की तरह फिर से जो है रिपीट ना हो. तो इस इंसान की बहुत ज़्यादा चाहत बढ़ रही है करेंटली कि आपके साथ पैशनेटली कंटिन्यू करें, कुछ नया स्टार्ट करें जिससे आप बहुत खुश हों, जिससे आपके अंदर भी इंथुजियाज़म आए इस रिश्ते को लेकर, ताकि आप दोनों के दिल में एक्साइटमेंट पैदा हो. ओके, तो एक्साइटमेंट लाना चाह रहे हैं आपके कनेक्शन में. इनका मन हो रहा है कि कुछ नया फ्रेश स्टार्ट या कुछ नया अप्रोच आप दोनों के रिश्ते में इनको लाने की ज़रूरत है, इनको लाना चाहिए, इनका मन कर रहा है. ठीक है, क्योंकि वो पास्ट को भुलाना चाह रहे हैं, वो हील करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि पास्ट वाला चीज़ फिर से इनके लाइफ में रिपीट हो, इनके लव लाइफ में रिपीट हो. तो आपके साथ कुछ नया बिगनिंग करने के बारे में डेफिनेटली ये इंसान सोच रहे हैं. ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट तो डालना चाहते हैं आपके रिश्ते में, क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये पर्सन एक्सप्रेस करने में इनको दिक्कत आती थी, अगर ये इंसान ज़्यादा आपसे बात नहीं करते थे, ऐसा कोई सीन है, नो कॉन्टैक्ट है, कुछ भी है, ये पर्सन अब जो है क्लियर होना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं. इनका मन है कि मैं मेहनत करूं, मैं मेरे दिल में जो है मैं वो बोलूं, ठीक है, मैं क्लियर कम्युनिकेशन करूं. और ख़ुद मैं इस कनेक्शन का प्रोवाइडर बनूं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ इसी वजह से वो पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं. हो सकता है खुद से वो कुछ अप्रोच आपके तरफ नहीं रख पा रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान बाकी चीज़ों में भी है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी वो डील कर रहे हैं. इस वक्त उनकी लाइफ पूरी तरीके से यू नो वेल सेटल्ड या एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में नहीं है. ठीक है, नहीं तो वो कब का यू नो एफर्ट्स डाल दिए होते, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना, प्रोसीड करना, कुछ यू नो टेम्पररी लेवल पर करना, शादी वगैरह कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं अभी. ठीक है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो रहा है अभी लाइफ को बहुत स्मूथली कंटिन्यू करना, या फिर यू नो चैन की सांस लेना इस पर्सन के लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. इस पर्सन की करंट एनर्जी ऐसी भी है कि इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना चाह रहे हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनके आपके अंदर उन्हें वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही है जो वो एक यू नो
अपने पार्टनर पे देखना चाहते थे, उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कितने इवॉल्व हुए हो, आपकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है और कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो हर एक तरीके से, इंटरनली एक्सटर्नली. ओके सो यस डेफिनेटली अब जो है ना आपके साथ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो, मेंटली फिजिकली इमोशनली चाहते हैं कि जितना हो सके उतना वो आपको अपने करीब रखे और वो आपके करीब आए. तो ऐसी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स चल रही है गाइस. सॉरी. ओके एंड यस डेफिनेटली बोल्ड एक्शन एफर्ट्स आपके टूवर्ड्स लेना चाहते हैं, आपको वो चीज़ देना चाहते हैं जिसके लिए आप हो सकते हैं वेट कर रहे हो, या फिर आपने इनको कहकर रखा हुआ है ठीक है कि मुझे प्रपोज करना, या फिर आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद यू और आई नीड कमिटमेंट और आई वॉन्ट टू मैरी यू. तो जो भी आपने पूछ कर रखा हुआ है या फिर चाहते हो इस पर्सन से, वो ये इंसान इनका मन हो रहा है कि ये बस जल्द से जल्द आपको वो चीज़ दे. लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ही लाइफ से, जिसके वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें. ठीक है ओके सो अब कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं ठीक है, फिर हम आपके कनेक्शन में शिफ्ट देखेंगे. तो यहाँ पर है सजदे, तो ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनिएगा. ओके देन वी विल मीट सून आई प्रॉमिस, तो बहुत जल्द आप लोग मिलोगे ये पर्सन आपको प्रॉमिस करना चाह रहे हैं. यू विल बी माय लास्ट लव, तो ये आंसर आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं. ओके ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनका मतलब आप समझ पा रहे हो ना, लास्ट लव मतलब क्या, हमेशा के लिए आपको ही प्यार करेंगे और आपको ही जीवन साथी बनाना चाहते हैं. देन वी हैव हम नवा मेरे, तो ये दोनों सॉन्ग से गाइस सजदे एंड हम नवा मेरे, इसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा. ओके अब चार्म्स की मदद से देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आने वाले हैं. तो सबसे पहला है ये ठीक है एंजल, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग हो सकता है कि बहुत जल्द आने वाला है, जहाँ पर जो वेटिंग फेस था या सेपरेशन था वो ख़त्म होने वाला है ठीक है आप दोनों के कनेक्शन में. सो यूनियन की टाइमिंग बहुत नज़दीक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. ओके देन वी हैव दिस बटरफ्लाई, और यहाँ पर मुझे एक इसे क्या कहते हैं गाइस ड्रैगन फ्लाई आई गेस, तो मुझे नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन विथ रीजनरेशन, मतलब जो चीज़ होकर ख़त्म हो गई थी उसका फिर से शुरुआत. ओके सो आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनरेशन डेफिनेटली होने वाला है. एंड देन वी हैव दिस पोस्ट, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में लॉयल्टी होगा बहुत ज़्यादा, अगर पहले चीटिंग वाली एनर्जी थी, कुछ चीज़ें हिडन थी, या यू नो एक कॉन्स्टेंट लव की कमी थी, तो वो यहाँ पर क्रिएट होगी. ठीक है लॉयल्टी एंड कमिटमेंट डेफिनेटली आपको मिलने वाला है आपके कनेक्शन में. एंड देन वी हैव द की, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपका दिल का दरवाज़ा बंद हो गया था इस पर्सन के लिए या फिर इस पर्सन का आपके लिए, तो वो जिस आप दोनों एक दूसरे के खोलने वाले हो. ठीक है सो यहाँ पर एक्सेप्टेंस मुझे नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में, एक्सेप्टेंस आ रही है बहुत जल्दी.
सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।